तो कैसे हैं? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वियतनाम जाना चाह रहे हैं? तो चलिए हम बताते हैं आपको वियतनाम का खर्चा। तो वियतनाम जाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने बची होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी फ्लाइट बुक। फ्लाइट बुक करने के लिए हम जाएंगे www.skyscanner.com। यहाँ पे जो आपका नियर बाय एयरपोर्ट होगा वो एयरपोर्ट डालेंगे। मेरा नियर बाय एयरपोर्ट न्यू दिल्ली है, हम न्यू दिल्ली डालेंगे। यहाँ से हम डालेंगे जहाँ हमें जाना है, वियतनाम। ओके, यहाँ पे हम सबसे सस्ता महीना देखेंगे, सबसे सस्ती महीने कौन से महीने फ्लाइट है वियतनाम जाने की। यहाँ पे चीपेस्ट मंथ कर देंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक। और ये देखिए 13,427 रुपये की आने जाने की दोनों फ्लाइट मेरी पड़ी। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि 2 तारीख को मुझे जाना है और मुझे 7 को रिटर्न आना है। यहाँ फेयर दिखाएगा 13,493, इस पर क्लिक करेंगे। विडजेट की मेरी फ़्लाइट है, ये देखिए, यहाँ से सेलेक्ट करके हम विडजेट की वेबसाइट से डायरेक्ट जाके बुक कर सकते हैं, या फिर हम यहीं से भी कर सकते हैं, क्लिक करके जा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट आप विडजेट की वेबसाइट पर जाके वहाँ से बुक करें। फ़्लाइट अगर आप 6 महीने पहले बुक कराते हैं तो आपको फ़्लाइट 13,000 रुपये में आने जाने की मिल जाएगी, और आप वही 1 महीने पहले बुक कराते हैं थोड़ा महंगा होगा, 15 दिन पहले कराते हैं थोड़ा महंगा होगा, ठीक है। बेटर 6 महीने पहले कराएंगे, आपको फ़्लाइट 13,000 से 14,000 रुपये के बीच में मिल जाएगी। आपकी फ़्लाइट बुक हो गई। दूसरा स्टेप, आपको वियतनाम वीज़ा का प्री अप्रूवल लेटर लेना है। प्री अप्रूवल लेटर लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, www.applyvietnamvisa.org। वहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल डालनी है और $11 का पेमेंट करना है, $11, 800 रुपये। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा चाहिए हमें, कितने लोग हैं, 1 एप्लीकेंट है 2 एप्लीकेंट है 3 एप्लीकेंट है वो डालना है। उसके बाद हमें 1 मंथ सिंगल एंट्री, यहाँ पे किस डेट को आप जा रहे हैं, यहाँ पे वो डेट भरनी है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ 2 फरवरी को, ठीक। कौन से एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं जा रहा हूँ हो ची मिन्ह सिटी, राइट। यहाँ पे आपको नाम डालना है, ठीक। ईमेल एड्रेस, ठीक। यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका डाल देना है। नेक्स्ट सेटअप पे जाना है। यहाँ पे आपसे जेंडर पूछेगा, मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं आप, ठीक है। उसके बाद फुल नेम आपका डालिए, एज जो पासपोर्ट में आपका नाम लिखा है वही नेम यहाँ पे डालिए। यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, यहाँ पे पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट डालेंगे आप, यहाँ पे अपनी हम नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, इंडिया, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे हम। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे आपको रिव्यू करने के लिए पूछेगा कि भैया देखो आप जो जो भरा है आपने सही है या गलत है। उसके बाद ये देखिए हमने ये चेक कर लिया पूरा, ठीक है। अगर आप गलत है कुछ तो यहाँ से जाके एडिट भी कर सकते हैं। ये बोल रहा है यार फास्ट फूड नहीं, ये नहीं चाहिए आपको, नहीं चाहिए, नो कर दें, ठीक है। स्टम्पिंग फीस अगर यहाँ पे यहीं से आप अगर स्टाम्प फीस अपना पे करना चाहें $25 तो यहीं से पे कर सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट पर जाके पे करना चाहें तो एयरपोर्ट पर जाके पे कर सकते हैं। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप कैसे पेमेंट करेंगे, ऑन पे वीजा मास्टर कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर पेपल, ठीक है। तो हम अपने मास्टर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे हम। प्रोसेस में वीजा नाउ, यहाँ पे अपना आप कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा डालेंगे, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इंडिया। जैसे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको एक ऑर्डर आईडी मिल जाएगा। ऑर्डर आईडी मिलने के 2 दिन बाद आपको वियतनाम का प्री अप्रूवल लेटर आ जाएगा आपके मेल पे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी हॉस्टल बुकिंग करनी है। हॉस्टल बुकिंग के लिए मैं रुका था वैद्या बैकपैकर हॉस्टल में, वो भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ मुझे 300 रुपये के पर डे के हिसाब से रूम मिल गया था। तो आप भी हॉस्टल बुक करने के लिए आप www.booking.com, ठीक है, booking.com से आप हॉस्टल बुक कर सकते हैं।
दोस्तों, जैसे ही आप booking.com पे आएंगे, आपको यहाँ डालना है अपनी सिटी। तो हम होंची सिटी में हॉस्टल चाहिए, होंची होची मीना सिटी वियतनाम। ठीक, हमें 2 फरवरी से 7 फरवरी तक के लिए हॉस्टल चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ डालेंगे? 1 लोग हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर रेट ज़्यादा दिखा है चिंता ना करें, फिर प्राइस लोवर फर्स्ट कर दें। यहाँ पे देखिए ये हॉस्टल मिल रहा है हमें। हॉस्टल आप बारीकी से देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके देख लें, ये हॉस्टल की फ़ोटो वगैरह देख लें। इसको बुक करने के लिए सी अवेलेबिलिटी पे क्लिक करें, रिव्यू पढ़ लें कैसा है, उसके बाद यहाँ से रिजर्व पे क्लिक कर दें। यहाँ पे देखिए पूछा है आर यू ट्रेवलिंग फॉर वर्क, नहीं हम घूमने जा रहे, तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेल फीमेल जो है अपना वो डालेंगे, उसके बाद अपना नाम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, अपनी ईमेल डालेंगे, यहाँ पे कंफर्म ईमेल करेंगे। अब अपने खुद के लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं? तो अपने लिए कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ब्रेकफास्ट लेना चाहते हैं तो 360 रुपये में आपको 5 दिन ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहें तो क्लिक कर दें, फिलहाल हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट फाइनल डिटेल पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आएगा, फ़ोन नंबर डाल दें। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट बुकिंग पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप कंप्लीट बुकिंग पे क्लिक कर देंगे, रिक्वेस्ट चली गई, आपको थोड़ी देर में आपके वाउचर ईमेल पे आ जाएगा। आपको 300 रुपये पर नाइट से भी कम रेट में आपको वहाँ पे हॉस्टल मिल जाएंगे। अगर आप फैमिली वाले हैं और आपको प्राइवेट रूम ही चाहिए, तो आपको बता दूँ वहाँ पे ओयो भी काम करता है। आप अपने यहाँ से अपने ओयो एंड्रॉयड ऐप से आप अपना होंची सिटी मीना डालिए और सर्च कीजिए, तो आपको वहाँ पे वियतनाम के होटल के प्राइस आ जाएंगे। आपको 700-800 इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं आपको प्राइवेट रूम भी मिल जाएंगे। आपकी इच्छा है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तीसरा नंबर पे हम वियतनाम पहुँच के कैसे क्या करें? तो जैसे आप वियतनाम एयरपोर्ट से एयरपोर्ट पे लैंड होंगे, आपको सबसे पहले जाना है वहाँ पे वियतनाम वीज़ा के लिए, ठीक है, वीज़ा एंड अराइवल्स के लिए। वहाँ पे आप जाएंगे, आपको इस प्रकार ऐसे काउंटर बने होंगे, यहाँ पे आपको अपना फॉर्म भरना है, आपके साथ फ़ोटो जो लाए हैं वो फ़ोटो चिपकाना है उस पर, और अपनी बेसिक डिटेल देनी है और अपना प्री अप्रूवल लेटर। यहाँ पे अपना प्री अप्रूवल लेटर से आप पूरा भर लेंगे डिटेल, उसके बाद आपको ये काउंटर पे जमा कर देना है, पासपोर्ट, प्री अप्रूवल लेटर और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आप चाहें तो अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अपने घर से इंडिया से भी भर के जा सकते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ जमा कर सकते हैं, क्योंकि लिंक में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। जैसे आप वहाँ पे जमा कर देंगे, उसके बाद आपको सामने कुर्सी लगी होंगी, इस कुर्सी पर बैठ के इंतज़ार करना है। आपका जब नाम बोला जाएगा तब आप काउंटर पे जाइएगा, उसके बगल में एक और काउंटर होगा, वहाँ जैसे जाएंगे वहाँ पे आपको $25 में पेमेंट करना है, $25 होते हैं करीब 1800 रुपये के आसपास, वहाँ पे आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आपको वो आपके पासपोर्ट में स्टिकर लगा के दे देंगी। कैसा स्टिकर लगा के दे देंगी? आपको मेरा वियतनाम वीज़ा वाला वीडियो देखना होगा, ये मैं आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वो देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या होगा, आपका स्टिकर लग गया, उसके बाद आपको इधर सामने जो इमिग्रेशन की लाइन है वहाँ लगना पड़ेगा। वहाँ लगेंगे करीब 10-15 मिनट में लाइन आपका नंबर आ जाएगा, थोड़ा भीड़ रहती है, ठीक है, वो आपको इमिग्रेशन में आपका ठप्पा लगाएंगे और वेलकम टू वियतनाम। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप वहाँ जाएंगे, अब आपको क्या है, सिम चाहिए। जैसे आप इमिग्रेशन के बाहर निकलेंगे, एयरपोर्ट के बाहर इमिग्रेशन के बाहर निकलेंगे, वहाँ पर आप सामने निकलेंगे तो सामने बहुत सारी सिम की शॉप है, वहाँ मत लीजिए, थोड़ा महंगा पड़ेगा। अपने राइट साइड मुड़िए और सबसे कोने वाली, सबसे लास्ट वाली दुकान पे चले जाइए, उससे आप सिम ले लीजिए। 1,50,000 डाउन में आपको सिम मिल जाएगी, करीबन 450 इंडियन रुपये। जिस कंपनी को सिम है 3G एयरपोर्ट पे, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर आप निकलेंगे तो हमें 4G पकड़ने लगेगा। एयरपोर्ट से हम हॉस्टल कैसे जाएँ? उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले आप ग्रैब बाइक टैक्सी कर सकते हैं, वहाँ पे टैक्सी वैक्सी वाले लोग बोलेंगे नहीं, कुछ बुक नहीं करना है। आपको डाउनलोड करना है एक एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन का नाम है गोवेटर। इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। आप कहीं भी साइगोन में 50,000 लोग इंडियन करेंसी में आपका हुआ 155 रुपये, ये मोटर बाइक टैक्सी है, ये आएगी, आप उस पर सवार होके अपने हॉस्टल चले जाएँ। उसका कॉस्ट करीब आएगा 155 रुपये। टैक्सी करेंगे तो 700-800 रुपये महंगा पड़ेगा। अगर ज़्यादा लोग हैं और अगर आप टैक्सी से ही जाना चाहते हैं तो आप टैक्सी कर सकते हैं, ग्रैब वगैरह से कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आप हॉस्टल पहुंच गए। आप हॉस्टल पहुंचने के बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, चेक इन कीजिए। आप चेक इन में आपका वो पासपोर्ट जमा हो करेंगी,
और आपको चेक इन मिल जाएगा। तो मैं वैद्या बैकपैकर हॉस्टल में रुका था। चलिए हॉस्टल में पहुँच गए, नहाए धोए फ्रेश हुए। अब भैया पेट में भी चूहे कूद रहे होंगे। खाने के लिए मैं आपको दो इंडियन रेस्टोरेंट रिकमेंड करूँगा। पहला है गणेशा इंडियन रेस्टोरेंट। दूसरा बेनारस रेस्टोरेंट। दूसरा क्यों? क्योंकि गणेश रेस्टोरेंट दोपहर को 2:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक बंद रहता है। तो इस बीच अगर आपको भूख लगती है तो गणेशा के बाजू में ही है बेनारस रेस्टोरेंट, वहाँ पे आप जाके खा सकते हैं, वहाँ भी अच्छा खाना मिलता है। लेकिन बेनारस थोड़ा गणेशा से एक्सपेंसिव है, लेकिन खाना अच्छा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बियर। बियर स्टार्टिंग प्राइस है वहाँ पे 34,500 डॉम, मतलब 108 इंडियन रुपीज में। वहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, आप कुछ तमाशा मत करो, आप कहीं भी बियर पियो, कहीं भी बैठ के पियो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ जाते हैं भैया घूमने के लिए बाइक रेंट। 1,50,000 वियतनाम डोंग 300 रुपये में 24 घंटे के लिए। घूमने के लिए आप दिन में बहुत सारी जगह जा सकते हो, म्यूजियम है, थिएटर है और सिटी सेंटर है, जो जो मैंने वीडियो पहले बनाया आप देखे होंगे, तो वहाँ आप जा सकते हैं। वो बाइक से ही आप जा सकते हो, आसपास ही सब है। अगला आता है नाइट लाइफ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। बाइक लेके जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं, नहीं तो आपको वही विडजेट से टैक्सी कीजिए, साइगा उसमें डालिए, साइगा ऑन बाकिंग स्ट्रीट, नहीं 10,000 डोंग में करीब 55 रुपये में आपको वियतनाम नाइट लाइफ पहुँच जाएंगे। नज़ारा वहाँ पे बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आपको आएगा, ठीक है। जहाँ पे आप जाएंगे लड़कियाँ आपको तुरंत मसाज के लिए अप्रोच करेंगी, जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा। मसाज वहाँ से बिल्कुल नहीं कराएं, मसाज आप जैसे वहाँ पे कराने जाते हैं वहाँ पे आपको लड़की अंदर ले गई। वहाँ पे सस्ता रेट बताएगी, जहाँ पे मार्केट में आपको मसाज 2,30,000 डोंग का हो रहा है, मतलब करीब 700 रुपये का हो रहा है, वहाँ पे वो मसाज के लिए बताएगी आपको कि 1,30,000, मतलब आधा 350 रुपये में। आप सोचोगे चलो करा लेते हैं, लेकिन बॉस जाना मत, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप जैसे जाओगे मसाज कराने, ऊपर लेके जाएगी आपको, गए आप मसाज करने, आप लेट गए मस्त कपड़े, भैया मसाज करो, थोड़ी देर मसाज करेगी इधर उधर, फिर वो बोलेगी इधर उधर आपको तंग करे, इधर उधर हाथ लगाएगी आपको उल्टा सीधा, मतलब चाटेगी, फिर बोलेगी करा लो ये एक्स्ट्रा सर्विस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है। नहीं लोगे चिड़चिड़ा जाएगी, कुछ नहीं करेगी, वो बोलेगी ठीक है मैं जा रही हूँ। आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, इतना आपको एक्साइटेड कर देगी, या तो आप उसको पैसा दीजिए 1,000,000 3,000 दीजिए, खोते करते या बार्गेनिंग करते करते 5 लाख पे आएगी, तो वहाँ पे आप उसको 1,500 दीजिए, तो आप सब कुछ कीजिए। नहीं करना है सब कुछ तो अपना जो आपने 3.5 लाख डोंग दिए 500 रुपये, वो आपकी ख़राब है। वहाँ से निकले आप, मसाज नहीं कराया आपने, क्लब गया, क्लब में जैसे कि भाई पहले दिन तो जाओगे भैया यार भौकाली हो, डांस वांस करें, ठीक, पहले दिन चले जाएँ किसी क्लब में, ठीक है, 2-3 बियर पी लें, वहाँ क्लब में बियर थोड़ी महंगी मिलती है, 2-3 बियर पी लें और नाचे गाएँ, ठीक है। मैंने भी एक ही दिन इंजॉय किया था, नाचा गया था, क्लब के अंदर गया था, लोग भी मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, हर कंट्री के लोग मिल जाते हैं और दोस्ती हो जाती है, इंडियन भी मिल जाते हैं, जैसे मेरे को भाई मिला था। वहाँ आप चले जाएँ, वहाँ पे 1,000 रुपये आप मान लीजिए, मैंने 1,000 रुपये माना है, आप चाहे एक बियर पिए या दो बियर, मैंने 1,000 रुपये मान के रखा है। 1,000 रुपये में आप 2-3-4 बियर पी सकते हैं और फुल 12 बजे तक नाच सकते हैं। जाएँ तो बड़े क्लबों में जाएँ, छोटे मोटे क्लब में जहाँ पे आपको लड़कियाँ बुलाएं, ये बात याद रखिएगा, जहाँ पे आपको लड़कियाँ बुलाएं उस क्लब में आप मत जाइएगा। 3-4 इकट्ठे हुए खूबसूरत एकदम पकड़ के बोलेंगी चलिए चलिए, वहाँ पे आप मत जाइएगा, नो सॉरी कह के ही निकल जाइएगा। उस क्लब में आप गए तो सबसे पहले क्या होगा आपको पता है? आप गए, आपने बियर पिया, भाई एक बंदी आ जाएगी बगल में, एकदम हॉट सी बंदी आ गई, अब वो आपको इधर उधर हाथ लगाएगी, ये वो कुछ नहीं बोलेगी, ऐसे ही हाथ लगा रही, कुछ नहीं, आप लोगों को यार ऐसे ही मज़ा आ रहा है आपको, ठीक, थोड़ी देर बोलेगी मुझे एक ड्रिंक पीना है, मैं भी अब तुम्हारे साथ पीना चाहती हूँ। तुमने बेटा अगर उसको बोल दिया तो तुम्हारे पंप लग गए, वो एक ही ड्रिंक पिएगी, ड्रिंक की प्राइस है 1,000,000, मतलब 10 लाख वियतनाम डोंग 3,000 इंडियन रुपीज। तो ये मत कहिएगा, बोलिए नो सॉरी, फिर भी आपको अप्रोच करेगी, इतना आपको करेगी, इतना आपको इधर हाथ लगाएगी कि आप अगर आप अंदर चले गए तो आप मतलब आप उसको लुट के ही आओगे भाई। जहाँ पे डांस उस हो रहा है, बहुत सारे बाहर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे कोई आपको अप्रोच नहीं करेगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पे छोटे क्लब, जहाँ पे लड़कियाँ आपको अप्रोच करके बुला रहे हैं, वहाँ मत जाइए, ठीक है। चलिए अंदर आप चले भी गए हैं तो कितना भी कुछ करिए, बिल्कुल बोलिए नो, कुछ भी बहाना मार दीजिए, आप मैरिड हैं या कुछ भी, हम नहीं कर सकते, कुछ भी आप बहाना मार दीजिए कि हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसको बोलिए आखिर तुम बियर पी लो, तुम उसको जो आप पी रहे हैं वही बियर, उसको 1-2 बियर पिला के और 1 बियर पी के पतली गली पकड़ के निकल लें, इसी में आपकी भलाई है, कम पैसे खर्च होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब तो क्लब आप जाएंगे नहीं,
अब आपको जो मजा है वॉकिंग स्ट्रीट में ही, आप उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन घूमिए, जितना घूमेंगे वहाँ अलग अलग टैलेंट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपको मसाज कराना है, आपको जेन्युइन मसाज कराना है, तो जेन्युइन मसाज के लिए आपको क्या करना है। जेन्युइन मसाज के लिए आप किसी भी मसाज सेंटर में चले जाइए, वो साइगन वॉकिंग स्ट्रीट में नहीं, या किसी भी नाइट लाइफ एरिया में वहाँ पर नहीं जहाँ पर क्लब वगैरह, बाकी आप कहीं पर भी चले जाइए। वहाँ पे यह होगा कि आप जाओगे वहाँ पे सेम प्रोसेस हो, बंदी जाएगी आपके पास, लेकिन थोड़ी देर मसाज करने के बाद आपको इधर उधर हाथ लगाएगी, फिर वो अप्रोच करेगी आप करो करो, आप बस अपने आप पे कंट्रोल रखें और बोलें नहीं करना मुझे, 5 मिनट उससे बात करें, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। 5 मिनट से अगर वो ज़्यादा किच किच करे तो आप सीधे बोलना आई गो कंप्लेन योर काउंटर, तो बंदी क्या करेगी, वो चिड़चिड़ा के चली जाएगी वहाँ से, फिर आपको दूसरी बंदी आएगी वो आपको प्रॉपर मसाज करेगी। तो ये हुई मसाज का। तो दोस्तों अब मैं आपको टोटल बताने जा रहा हूँ कि मेरा इस वियतनाम के ट्रिप में खर्चा कितना हो। तो सबसे पहले मैंने फ़्लाइट बुक करी थी 1 महीने पहले, मेरी फ़्लाइट आ गई थी 20,000 रुपये की, वीज़ा प्री अप्रूवल लेटर मेरा आ गया था 800 रुपये में, एयरपोर्ट पहुँच के वीज़ा स्टाम्प फीस 1,800 रुपये का, एयरपोर्ट से मैंने जो सिम खरीदा था वो पड़ गया था मेरे को 450 रुपये का, एयरपोर्ट से जो मैंने हॉस्टल के लिए टैक्सी करी थी 155 रुपये का। फिर आ जाते हैं हॉस्टल पे, हॉस्टल मुझे पड़ गया था 1,500 रुपये में 5 दिन के लिए, 300 रुपये पर डे के हिसाब से। खाने का 800 रुपये प्रतिदिन में मैं 2 टाइम खा लेता था, इंडियन पटोसा या फिर वेज थाली खा लेता था, उसका खाने का मेरा 4,000 हुआ 5 दिन का। बियर का मेरा 108 ही जोड़ा है मैंने, बियर आप पीना चाहें तो। बाइक रेंट का मेरा हुआ था 300 रुपये, क्लब नाइट आउट में मेरा 1 दिन 1,000 रुपये खर्च हुए थे, बॉडी मसाज कराया था मैंने 714 रुपये। और हाँ, बॉडी मसाज आप कराने जाएंगे अगर एक्स्ट्रा सर्विस लेना चाहेंगे, 1 मिलियन मांगेंगी लड़कियाँ, 5 लाख डॉन्ग देना है, मतलब 1,500 इंडियन रुपीज देने हैं, आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। उसके बाद मेरा रिटर्न एयरपोर्ट टैक्सी पड़ गई 155 रुपये की, तो टोटल जो मेरा खर्चा हुआ था दोस्तों वो है 30,982 रुपये। मैंने 1 महीने पहले टिकट बुक कराई थी इसलिए मेरे को काफ़ी महंगी पड़ गई, यही टिकट अगर आप 6 महीने पहले कराते हैं तो ये टिकट आपको 14,000 रुपये की पड़ जाती है, और ये खर्च नहीं करेंगे तो आप अप्रॉक्स 25,000 रुपये में वियतनाम घूम के वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो में कुछ छूट गया हो तो मैंने स्क्रीन पे हिसाब किताब लगाया है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ये था मेरा वियतनाम ट्रिप का बजट वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कुछ पूछताछ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जगह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों चलिए अब फटाफट मैं कपड़े उपड़े चेंज कर लेता हूँ और निकलता हूँ मैं एयरपोर्ट के लिए और ले चलता हूँ आपको एक नए देश। वैसे मैं नया देश कौन सा जा रहा हूँ आपके लिए सरप्राइज है, चलिए गेस कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सी कंट्री में जाने वाला हूँ।